हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में कोरोना से पहली मौत, मरने के बाद जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एक और महिला निकली संक्रमित। शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण 77 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि उनके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मौत के करीब 12 घंटे पश्चात पता चली। कोरोना के कारण वे जोधपुर में जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति है। उनके शव को अस्पताल प्रशासन ने अपने कब्जे में ले रखा है। उनके दाह संस्कार का फैसला प्रशासन ही करेगा। इधर गुरुवार को शहर में एक और महिला पॉजिटिव पाई गई। शहर में मृत बुजुर्ग को शामिल कर कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 33 हो गई है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जीएल मीना ने बताया, पेशेंट आया था रात को कार्डियक इमरजेंसी पहुंच आया था और उसी इमरजेंसी में डायरेक्ट पेशेंट आया, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन जो पेशेंट को लेके आया था उसका पड़ोसी भी खड़ा था, उन्होंने बताया कि कौन पूछा कहाँ से लाया क्या है, कि उन्होंने हिस्ट्री दी थी कि पुनः जा चुके हैं फेवरेबल स्थिति, लेकिन पेशेंट को सीरियस था कार्डियक प्रॉब्लम थी, उसी वजह से बाद में 2 घंटे बाद ये पेशेंट विदिन 2 आवर में जो है करना चाहिए था प्रोसीजर बचाने के लिए, लेकिन 2 घंटे बाद एक्सपायर हो गए। कोरोना की आशंका के चलते निधन के बाद उनके स्वाब का नमूना लिया गया जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को मिली। बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि उन्हें संदिग्ध मान प्रशासन ने उनके शव को पहले से अस्पताल में रोक रखा था। अब कोरोना से मौत होने की पुष्टि हो जाने के बाद दाह संस्कार प्रशासन अपने स्तर पर कराएगा। इधर शहर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक और महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये पहले से संक्रमित एक महिला के संपर्क में आने के कारण संक्रमित हुई है। इस तरह भीतरी शहर में कोरोना के कुल 19 व पूरे शहर में 33 मरीज हो गए हैं। भीतरी शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रख 4 थाना क्षेत्रों में महाकर्फ्यू लगाकर पूरे क्षेत्र को सील किया हुआ है। शहर में एक के बाद एक कोरोना के नए मरीज सामने आते जा रहे हैं। आज सुबह मिली जांच रिपोर्ट में नागौरी गेट क्षेत्र में रहने वाली महिला पॉजिटिव पाई गई। इस महिला को संदिग्ध मान बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले से पॉजिटिव पाई गई एक महिला के संपर्कों की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए प्रशासन ने इस महिला की तलाश की थी। अब इसके परिजनों को भी MDM अस्पताल लाया गया है और उनके सैंपल लिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट में प्रिकॉशन रखे जाते हैं, उसके हिसाब से हमने मॉर्चरी में एक कैबिनेट खाली करवा के उसमें रखवा दिया है। और जब पॉजिटिव जैसे ही हमने जिला प्रशासन को और शास्त्रीनगर पुलिस थाना में इन्फॉर्मेशन कर दी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।